हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2020 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 cm, 3 cm एंड 5 cm। As shown in figure, चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। The center of mass of the system is at a point। यहां पर आपको center of mass की location बतानी है और सभी options में उस location को 1 kg को terminal मान के present किया गया है। Terminal का अर्थ मेरा origin से है। So पहले मैं आपको एक बार ये चित्र दिखा दूं। कुछ इस तरह का diagram इस problem में given है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके इस कॉर्नर पर 1 kg का मास प्लेस है, इस सेकेंड कॉर्नर पर 1.5 kg का और थर्ड कॉर्नर पर 2.5 kg का मास प्लेस है। डिस्टेंसेस गिवन है 4 cm, 3 cm और ये 5 cm होगा। ये तो पाइथागोरस लगा के कैलकुलेट भी किया जा सकता था, बट गिवन है प्रॉब्लम में आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन सभी 1 kg के रेफरेंस में दिए गए हैं। सो 1 kg पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम ये मान ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्स एक्सिस है, जिसकी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से शो करेंगे, और ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है और जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से शो करेंगे। सो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मास m1 इनटू पोजीशन ऑफ दैट मास प्लस मास m2 पोजीशन ऑफ m2 प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस। ये फॉर्मूला एक ट्रेन फॉर्मूला है, यानी अगर और भी मासेस होते तो इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर सकते थे। यहां पर चूंकि 3 पार्टिकल सिस्टम पर बात चल रही है तो मैंने 3 ही पार्टिकल तक इस फॉर्मूले को शो किया है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। ये बन जाएगा RCM वेक्टर इक्वल टू पहला मास 1 kg और उसकी पोजिशन है नल वैक्टर, क्योंकि जिसे ओरिजिन ऑफ रेफरेंस माना गया है वही पर 1 kg का पार्टिकल बैठा हुआ है। दूसरा पार्टिकल 1.5 kg का है और उसकी जो पोजीशन है वो है 3i कैप प्लस 0j कैप। सो मैं 3i कैप ही लिख रहा हूं। और थर्ड मास की पोजीशन है 2.5 kg वाले की, वो है 4 cm j कैप। सो मैं इसमें i कैप प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, उसके लिए i वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो 0 होगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस। सो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए। और ऐसे फाइनल सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4.5 i कैप प्लस 10 j कैप अपॉन 5, और इसे अगर हम कंप्लीट सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 0.9 i कैप प्लस 2 j कैप। यानी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आई है इन तीनों पार्टिकल्स की पोजीशन के बेस पे वो है 0.9 i कैप प्लस 2 j कैप। अब चूंकि ओरिजिन इसे कंसिडर किया गया था और सारी डिस्टेंसेस इसी पॉइंट के रेफरेंस में नापी गई हैं, तो 0.9 i कैप और 2 j कैप के अकॉर्डिंगली जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा वो होना चाहिए 0.9, मींस 1.5 मिडल पे यहां होगा और 0.9 कुछ यहां मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इस 4 के हाफ पे 2 होगा। यानी कि हम एक अनुमान से बता सकते हैं कि कुछ इस तरह की पोजीशन में सेंटर ऑफ मास को प्रेजेंट किया जा सकेगा। सो अब ऑप्शंस एक बार देखें। ऑप्शंस हैं 0.9 cm राइट एंड 2 cm अबव 1 kg मास। 0.9 राइट और 2 cm अबव, यानी पहला चॉइस ही करेक्ट है। बाकी चॉइसेस में राइट में 1.5, 0.6 और 2 cm दिया गया है, तो वो अपने पहले टेस्ट में ही फेल हो गए। सो ए पार्ट जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वही इस प्रॉब्लम का बेस्ट चॉइस होना चाहिए। सो 0.9 cm राइट और 2 cm अपसाइड सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक बेसिक फॉर्मूला लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।